हेलो दोस्तों, ये है Vivo Y22। अगर आपने इस स्मार्टफोन को खरीद लिया है या फिर खरीदने वाले हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो इसके कैमरे की डिटेल हम आपको बारीकी डिटेल से बताएंगे कि भाई इसका कैमरा कैसा है, और भाई आपने खरीद ही लिया है तो आपको कैमरा के फीचर्स बताएंगे कि आप इससे अच्छी कैसे फ़ोटो निकाल पाओगे, कैसे अच्छी फ़ोटो क्लिक कर पाओगे एंड वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। तो दोस्तों, हम ऐसे ही स्मार्टफोन की वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फटाफट से देखते हैं इसके कैमरे में कौन कौन से फीचर है। सबसे पहले मिलता है नाइट मोड, फिर पोर्ट्रेट मोड, फिर फोटो, फिर वीडियो एंड मोर। और इसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा, पेनरोमा मोड, लाइव फोटो और स्लो मोशन, टाइम लैप्स, प्रो मोड एंड डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तो इन सभी को हम टेस्ट करके देखेंगे। तो गाइज, पोर्ट्रेट कैमरे की क्वालिटी आप देख सकते हो गाइज, काफ़ी अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग। जैसे कि बैकग्राउंड के अंदर एजेस वगैरह ब्लर काफ़ी सही वर्क करता है, और इसमें आप पोर्ट्रेट मोड के अंदर बैकग्राउंड में कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे ब्लैक एंड वाइट हो गया और सब्जेक्ट क्लियर है। तो इसके लिए आपको पोर्ट्रेट मोड में जाना है, फिर बोके मोड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपर्चर वैल्यू को कम करोगे तो बैकग्राउंड में ब्लर ज़्यादा हो जाएगा, और यहीं पर आपको ब्यूटी मोड मिल जाता है। भाई ब्यूटी मोड को हल्का फुल्का इनेबल कर दो, जिससे फ़ोटो में स्किन टोन पे कलर्स वगैरह सही देखने को मिल जाए एंड सॉफ्ट फ़ोटो देखने को मिले। यहाँ पर आपको अलग अलग फिल्टर्स और स्टाइल मिल जाती है, तो आप यहाँ पर से भी इनेबल कर सकते हो। अगर HD फ़ोटो चाहिए तो यहाँ पर अच्छे वाले फ़िल्टर्स लगा सकते हो, जो एक अच्छी फ़ोटो देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। अगर आप फ़ोटो अच्छी क्लिक करना चाहते हो तो गाइज खास कर ख्याल रखें कि लाइट अच्छी होनी चाहिए, और जैसे कि आप देख पा रहे हो Y22 में डिटेल्स काफ़ी सही देखने को मिल जाती है। अगर ऐसी फ़ोटो क्लिक करनी है जिसमें सब्जेक्ट क्लियर हो और बैकग्राउंड के अंदर ब्लैक एंड वाइट हो, तो इसके लिए आपको पोर्ट्रेट मोड के अंदर लाइट इफेक्ट में जाना है, और लास्ट के अंदर दिखेगा मोनोक्रोम, जिसमें आपको फ़ोटो क्लिक करनी है। और बैकग्राउंड के अंदर तो भाई आपको ब्लैक एंड वाइट दिखाई देगा और सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। ऐसे ही इसमें और भी मोड्स मिलते हैं, जैसे स्टूडियो लाइट और मोनोक्रोम। जैसे कि इसमें आप बैकग्राउंड के अंदर देख सकते हो गाइज, और इसमें भाई ब्लैक एंड वाइट हो गया। अगर बात करूं डिटेल की तो प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी सही है इसका पोर्ट्रेट कैमरा, और ये मोड आपको पोर्ट्रेट के अलावा फ़ोटो के अंदर भी मिल जाता है, जहाँ पर फिल्टर्स वगैरह भी लगा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको 10x जूम मिल जाता है, और फोटो के अंदर भी 10x जूम मिलेगा। हाईएस्ट वीडियो इसमें 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर पाओगे। इसके अलावा जब भी आपको HD फोटो क्लिक करना हो तो मोर के अंदर जाए, और फिर 50 मेगापिक्सल का HD कैमरा मिलता है, जिसके अंदर आप फोटो क्लिक करोगे तो बहुत सारी डिटेल देखने को मिलती है जूम करने पर। जैसे भाई आप इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तक जूम कर पाओगे, जैसे भाई आप देख सकते हो वीडियो के अंदर, और डिटेल भी काफ़ी सही है, पिक्सल्स वगैरह फटते नहीं हैं। अगर आप यही फ़ोटो नॉर्मल में क्लिक करो तो कुछ इस तरीके से डिटेल देखने को मिलती है, जैसे कि भाई मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। भाई ये फ़ोटो हमने इसके नॉर्मल कैमरे से क्लिक की HDR कैमरे में, जहाँ पर आप हाईएस्ट इतना ही जूम कर पाओगे और पिक्सल्स वगैरह फटे हुए दिखाई देने लग जाएंगे। और बात करें HD कैमरा की फ़ोटो की, तो उसमें देख सकते हो गाइज कुछ इस तरीके से डिटेल देखने को मिल जाती है। अगर आपको हाई रेजोल्यूशन की फ़ोटो क्लिक करनी हो तो HD कैमरे में क्लिक कर सकते हो। मैक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिलता है, जिसको आप ऊपर की तरफ यहाँ से इनेबल कर सकते हो, और इसमें भी भाई डिटेल है वो काफ़ी सही देखने को मिल जाती है। ज़्यादा कुछ खास भी नहीं है, लेकिन एवरेज 2 मेगापिक्सल के अकॉर्डिंग सही है। छोटी चीज़ की आप बारीकी डिटेल से फ़ोटो क्लिक कर पाओगे मैक्रो कैमरे के अंदर। जहाँ पर इमेज क्वालिटी की बात करें तो आप खुद देख सकते हो गाइज, कुछ इस तरीके से आपको डिटेल देखने को मिल जाती है। फाइनली सेल्फी कैमरे की बात करें, जो कि 8 मेगापिक्सल का है, वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर मिलता है सेल्फी कैमरा। इसमें भी आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है गाइज। इसके रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरे में आप 1080p 30fps पर हाईएस्ट वीडियो कर पाओगे, लेकिन ब्यूटी मोड ओनली 720fps पर मिलेगा। और फ्रंट कैमरे में ब्यूटी मोड भी मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, और जो ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड करने का ऑप्शन है पोर्ट्रेट मोड के अंदर, वो फ्रंट कैमरे में भी देखने को मिल जाता है।
अगर बात करें डिटेल की तो डिटेल की एवरेज कहूँगा गाइज, ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलती है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी सही है। 8 मेगापिक्सल के कैमरे से भाई इतना एक्सेप्ट करना काफ़ी ज़्यादा सही है। फ्रंट कैमरे में आप पोर्ट्रेट मोड, नॉर्मल कैमरा एंड जो स्टूडियो लाइट है, अलग अलग फिल्टर, अलग अलग लाइट इफेक्ट के अंदर फोटो क्लिक कर सकते हो, जिसमें काफ़ी अच्छी डिटेल मिल जाती है। Y22 में सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलता है, लेकिन गाइज इसके अंदर आपको क्वालिटी काफ़ी सही देखने को मिल जाती है और फ्रंट में वीडियो बनाते हुए जूम भी कर सकते हो। तो डिटेलिंग की बात करें तो काफ़ी सही है, 8 मेगापिक्सल का हो गया भी कैमरा और चलते हुए वीडियो शूट कर पा रहे हैं। देख सकते हो गाइज आप स्टेबिलिटी, स्टेबल मोड नहीं देखने को मिलता फिर भी स्टेबल है वो फ्रंट कैमरे से, वीडियो काफ़ी सही देख जाती है। तो फाइनली गाइज कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा और हमारी वीडियो कैसी लगी, एंड हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।